खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर की होम साइंस कॉलेज की छात्राओं ने एनएसयूआई के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। जाम की स्थिति होने पर पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। छात्राओं की मांग है कि परीक्षाएं ऑनलाइन या ओपन बुक के माध्यम से कराई जाए। जबलपुर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर तले होम साइंस कॉलेज की छात्राओं ने जमकर हंगामा किया और सड़क में जाम लगा दिया, जिसके चलते दोनों तरफ से आवागमन काफी देर तक के लिए रुक गया। विरोध के दौरान पुलिस के प्रदर्शन कर रही छात्राओं से जमकर बहस भी हुई। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना है कि जब पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, तब मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग छात्राओं के ऑफलाइन एग्जाम करवा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि छात्राओं को जानबूझकर उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की जद में ढकेल रहा है। छात्राओं ने कहा कि 11 जनवरी से पीजी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होना है, जिसके लिए छात्राएं तैयार नहीं हैं। होम साइंस कॉलेज की प्राचार्य नंदिता शर्मा का कहना है कि छात्राओं की मांग निश्चित रूप से जायज है, पर उनकी मांगों पर निर्णय लेना यह हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने बताया कि परीक्षा को लेकर अभी शासन स्तर से किसी तरह के निर्देश नहीं आए हैं। जो भी निर्देश आएंगे हम उनका पालन करेंगे। अभी पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी की परीक्षा होनी है, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अब तक ऑनलाइन एग्जाम को लेकर कोई भी आदेश शासन के द्वारा नहीं आए हैं। होम साइंस कॉलेज के सामने छात्राओं ने जाम लगा दिया। यह सूचना मिलते ही मदन महल थाना का स्टाफ मौके पर पहुंचा, जहां वे काफ़ी देर तक छात्राओं को समझाइश देते रहे। इस दौरान थाना प्रभारी नीरज वर्मा ने जब छात्राओं को समझाने की कोशिश की तो वह भड़क गए, लिहाजा दोनों ही पक्षों में जमकर बहस हुई। छात्राएं जहां ऑनलाइन परीक्षा और ओपन बुक की मांग कर रहे थे, तो वहीं प्रबंधन और पुलिस उनकी मांग मानने को तैयार नहीं थे, जिसके चलते काफ़ी देर तक विवाद की स्थिति बनी रही। छात्र के हित के लिए तो छात्र के हित की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। उच्च शिक्षा विभाग निर्णय लेता है, आप शांति से अपना ज्ञापन दीजिए, आपकी बात उच्च शिक्षा विभाग तक पहुँचे तो उच्च शिक्षा विभाग के पास आप क्यों नहीं जाते भोपाल? जब तक उच्च शिक्षा विभाग नहीं बोलेगा इनको ये नहीं करेंगे। देखिए नॉट डिसाइड, देखिए नॉट डिसाइड, देखिए नॉट डिसाइड, वन टू वन बात कीजिए, वन टू वन बात। आज क्या कार्यक्रम? आज हमने होम साइंस कॉलेज में घेराव किया और एडिशनल अतिरिक्त संचालन जो है उन्हें ज्ञापन दिया गया। ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम की हमारी मांग थी, इसी मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया उन्हें। और वहाँ पे स्टूडेंट्स की ना तो सिलेबस कंप्लीट हुआ ना कुछ हुआ, और उसके बाद 10 तारीख से पेपर स्टार्ट कर दिए गए हैं वहाँ पर। और जो कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, उनका कहना है कि हम एग्ज़ाम रद्द नहीं करेंगे, कोई भी कीमत में नहीं करेंगे। बच्चे कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कल 70 से 80 केस आए हैं, उसके बावजूद कॉलेज में एग्ज़ाम कराने का क्या मतलब है? हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम रद्द किए जाए, या तो ऑनलाइन या तो ओपन बुक एग्ज़ाम किए जाए। देवकी पटेल, राष्ट्रीय समन्वयक, NSUI। पालन करते हैं, जो शासन हमको आदेश देगा उसी के आधार पर ही हम परीक्षा कराएंगे। अभी तक हमारे पास लिखित में कुछ भी नहीं आया है। लिखित में तो यही हमारे पास है कि सब छात्राओं की परीक्षा, अभी हमारे यहाँ सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट MSc की परीक्षाएं चलेंगी, और जब शासन का जैसे जैसे निर्देश आता जाएगा हम उसका पालन करेंगे। मैम, ये छात्रों की बात आपने शासन तक पहुँचाया है? ये तो शासन खुद ही देख रहा है, हम शासन से निर्देश जैसे ही आएंगे हम काम करेंगे। मैम, अगर निर्देश आने में लेट होते हैं तब तक क्या आप नहीं तो लेट अभी तो लेट शासन खुद ही देख रहा है, आप तो खुद ही देख रहे हैं कि 50% के हिसाब से हम परीक्षा कराएंगे, दूर दूर छात्राओं को बैठाएंगे। जो निर्देश हमको आए हैं कि कोरोना का पूरा पालन करते हुए, हाँ 50% का है और कोरोना का पालन करते हुए उस हिसाब से हम परीक्षा लेंगे। मैं डॉक्टर नंदिता सरकार, प्राचार्य।